मेरी रिपोर्ट लिखा दो चल के चौकी थाने में। शायद तने हरियाणा वाले के बारे में बेरा कोना अक यार और प्यार में जान तक दे दे हैं। अरे बिरजू के ससुरे बन रहा तू डैडी बड़ा फिर नाई को देने को तेरे 10 रुपए नहीं। पिंकी ये तो चले गए चांद पे, आ मैं तुझे लेके चलूं होटल में। ये यूपी का बागपत से लड़का है तो हरियाणा में पढ़ने जाता है वो, तो वहाँ ये इनसे हीरोइन से टकराव हो जाता है कॉलेज में। नहीं हीरो तो सुमित बन जा रहा है, हीरोइन सोनिका सिंह है, मैं तो डायरेक्टर हूँ। ये देख सकते हो भाई पिस्टल विस्टल ले रहे हैं अंदर, किसी को घुसने नहीं देते। फिल्म का नाम है जमुना पार। मैं बताती हूँ इनकी सेटिंग इनके साथ है, देख लो भाई लीलो चमन की जोड़ी। स्माइल करो। मेरा करेक्टर थोड़ा ऐसा है कि मैं थोड़ा जुआरी शराबी। तेरे भाई है? मैंने कहा ना भाई ना पापा है। मैं इतना प्यार करती हूँ कि हरियाणा छोड़ के यूपी आ जाती हूँ बिना बच्चों के। था ही नहीं, बस ऐसे नजरें मिली और इजहार हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। और भाई आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां पे चल रही है फिल्म की शूटिंग, और ये जो सामने आप घर देख रहे हो भाई इसी के अंदर फिल्म की शूटिंग है। कौन कौन है सारी बातचीत करेंगे अंदर कलाकारों से, तो आ जाओ इस घर के अंदर शूटिंग चल रही है। भाई अंदर नहीं जा सकते, अंदर शूटिंग चल रही है। अंदर शूटिंग चल रही है भाई, दिखाने ही तो जा रहा हूँ शूटिंग चल रही है, मैं कोई यहाँ वैसे थोड़ी आया हूँ। बात हुई अंदर आपकी? मेरी बात होगी है सुमित भाई से, बात होगी मेरी। वैसे तो आप किसी को जानने नहीं देते, बाकी आप कह रहे हो तो आप जा सकते हो। कोई बात नहीं भाई, हम तो मीडिया वाले हैं, कहीं भी घुस जाना, अभी घुसने दोगे तो भी घुस जाएंगे। ले एक बार राम राम कर दियो हमारे दर्शकों को। ठीक है भाई, राम राम। आ जाओ भाई, तो अंदर चलेंगे और बातचीत करेंगे जो कलाकार लोग हैं। और भाई ये देखिए भाई पिस्टल में बॉडी गार्ड हो गया आप? बॉडी गार्ड हूँ जी, यहाँ को। अच्छा, किसी को अंदर आने नहीं देते? नहीं। ओहो, चलो भाई कोई बात नहीं। ये देख सकते हो भाई पिस्टल विस्टल ले रहे हैं अंदर, किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि पता क्या है जो गांव में शूटिंग होती है ना देखने के लिए, फिर वही डिस्टर्ब वाला काम हो जाता है। और यहाँ पे भाई जो गाड़ी वगैरह खड़ी है ये कलाकारों की है। कौन कौन आ रहा है सारी बातचीत करेंगे। आ जाओ, कैमरा मैन से कहूँगा गैल गैल आ जा आगे को। राम राम जी। राम राम जी। राम एक बार हमारे दर्शकों को सभी राम राम कर दियो। राम राम सभी दर्शकों ने। और भाई देख सकते हैं भाई जाने माने चेहरे बैठे हैं सामने, सुमित भाई है अपने यूपी के, और मैम हरियाणा की जाने माना चेहरा सोनिका सिंह। राम राम जी। राम राम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप लोग बताओ कैसे हैं? बस हम भी बढ़िया हैं। तो भाई अब बातचीत करेंगे, फिल्म की शूटिंग कौन सी चल रही है, एक बार सारे खड़े हो जाओ जी। अच्छा पहले यूँ बताओ, आप हीरो बने हो या सुमित भाई बन रहा है हीरो इस फिल्म में? नहीं, हीरो तो सुमित बन जा रहा है, हीरोइन सोनिका सिंह है, मैं तो डायरेक्टर हूँ। अच्छा डायरेक्टर हैं, तो भाई आप इन्हें जानते होंगे, ये अपने संतराम बंजारा जी हैं, काफ़ी हिट रही इनकी फिल्म है और सॉन्ग। तो जैसे आप ये जो शूटिंग कर रहे हैं आप यहाँ बागपत में, फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है जमुना पार। जमुना पार, तो जमुना पार में सुमित भाई हैं एक्टर? हाँ, ये जमुना पार में ये बागपत से हैं और ये हीरोइन सोनीपत से हैं। अच्छा अच्छा, दोनों स्टेटों का तालमेल दिखाया इसमें। अच्छा, यानी कि दोनों की लव को लेकर कोई स्टोरी? लव स्टोरी मूवी है। अच्छा सुमित भाई, जैसे अभी आप यहाँ बागपत में काम कर रहे हो अपने क्षेत्र में, तो कैसा फील हो रहा है? अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसे अपने घर में ही है। बहुत मजा आ रहा है, सब मतलब बहुत सहयोग करते हैं, सभी गाँव वाले जहाँ भी जाते हैं सब बहुत सहयोग मिलता है। अच्छा हीरोइन सोनिका जी? हाँ जी, हीरोइन सोनिका जी बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई फिल्म की बातचीत थोड़ी बाद में करेंगे, पहले ना दोनों की ये कह रहे हैं कि लव स्टोरी को लेके ये फिल्म है, कोई डायलॉग होगा आपका भले फिल्म का ना हो अलग हो, लेकिन शुरुआत जो करूँगा ना मैं इंटरव्यू की कोई प्यारे से डायलॉग के साथ होना चाहिए। सामने आपके पापा जी भी हैं, तो ऐसा होता है ना पापा के सामने डायलॉग बोलना थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है, शर्माते हैं। तो भाई बीच में इनके पापा खड़े हुए हैं और इधर मैडम है हरियाणा की और अपने यूपी के सुमित भाई है, तो एक ऐसा डायलॉग करवा के देखेंगे पापा के सामने हो जाए कोई प्रपोज करने वाला। अभी हमारा सीन हुआ था तो उसका डायलॉग है कि मैडम हम यूपी वाले हैं, जब प्यार करें ना तो मरते दम तक करें। आपका क्या था? शायद तने हरियाणा वाले के बारे में बेरा कोना अक यार और प्यार में जान तक दे दे हैं। भाई वाह, हरियाणा वाले जान तक दे दे हैं। थोड़ा भाई पीछे हो जा। अरे कई बल्ले हैं इसे भी है। जान दे भी दे हैं और जब जरूरत पड़े ना तो जान ले भी ले हैं। अच्छा सुमित भाई, जैसे स्टोरी में दिखाया गया तो इसमें क्या क्या चीज दिखाई, लव स्टोरी कैसे क्या क्या? इसमें स्टोरी है यूपी का बागपत से लड़का है तो हरियाणा में पढ़ने जाता है वो, तो वहाँ ये इनसे हीरोइन से टकराव हो जाता है कॉलेज में, तो दोनों का प्यार लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो जो वहाँ के एक विलेन है ये है राजपाल डेडा जी, विलेन है इनका नाम, इसका क्या नाम? बिरजू। बिरजू, तो इनके जो जलन होती है कि यूपी का लड़का आ गया
हमारे हरियाणा की लड़की से प्यार मोहब्बत कर रहा, घुमा रहा फिरा रहा, तो उसमें विवाद होता है, वो तो एक्शन फाइट हमारे सीन शूट हो चुका है फाइट वाइट का, तो इन्हें मर्डर भी हो जाता है लास्ट में। ले भाई एक बार राम राम कर दियो हमारे दर्शकों में। राम राम जी सपने। तो आप गुंडे बने हुए हो? हाँ जी गुंडे बने हुए हैं। और गुंडे के है गुंडे के आवाज हमारे दर्शकों को डराओ पहले जब देखेंगे। ऐसा है होश में रहना ना तो मिट्टी में मिला देंगे। देखो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ बागपत से, ये हमारे गुरु जी संत राम जी, पर बादशाह हरियाणा वाली बुला रखी मेरे से। अच्छा तो मैं फॉर्म में हूँ इस टाइम हरियाणा की बोल दूंगा मैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल असर तो पड़ी जाए ना जब भाई हरियाणा का रोल इन्हें दे दिया तो भाई बोली तो हरियाणा वाली करनी पड़ेगी। अब जैसे मैडम है, मैडम तो हरियाणा की है, हरियाणा की बोली दे रखी होगी यूपी की? नहीं मेरे तो हरियाणा की। हरियाणा की, हरियाणा की बोलूं बाकी मना इस्माइल कहना आ गया। हमारे यूपी में आके हरियाणा वाले बदल चुके, हमारी भाषा बोल रहे हैं। मैंने भी सिखाई अपनी हरियाणवी, मैंने सिखाई इन सब, हमने हमने नहीं बोली हरियाणवी, हमें जरूरत भी ना है यूपी वालों को, हम तो ऐसे बोल रहे हैं कोई जा रहा हो अरे क्या हाल है कैसे है, और हरियाणा वाले कैसे बोल रहे हैं मैडम क्या हाल है कि जावे है फिर चलना है। ये कित जावे है कितने जावे है, ये भाषा हमारी समझ से थोड़ी बाहर है सर। वो देखो अपने स्टेट की है, हमारी यूपी में भी एक भाषा नहीं है, बहुत भाषा है, पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है, अवध में अलग है, बहुत सारी है, तो अपने जैसा क्षेत्र ऐसी भाषा होती है। अच्छा डायरेक्टर साहब बात थोड़ी सी ये करेंगे, दर्शकों को काफी इंतजार है आपकी, कई हिट फिल्में आ रही है और नई नई फिल्में आप दे रहे हैं सोना टेक पे, तो जो आपने ये फिल्म की स्टोरी लिखी है इसमें क्या सोच के आपने यूपी बागपत पे क्या बनाई है? देखो स्टोरी तो मैंने नहीं लिखी, राइटर हैं इसके तारिक जमाल सैफी, और इसमें बस यही दिखाया जैसे थोड़ा सा टसनबाजी रहती है हरियाणा और यूपी वालों की आपस में, वो अपने आप को फन्ने का मानने हैं, हमारे वाले अपने आप को मानने हैं फन्ने का, तो इस वजह से हमने दो स्टेटों का तालमेल इसमें मूवी में दिखाया। तो आपका क्या किरदार है इसमें? मेरा इसमें हीरो का बड़ा भाई हूँ मैं, हीरो का बड़ा भाई यूपी से ही हूँ इसमें करेक्टर मेरा, तो मेरा करेक्टर थोड़ा ऐसा है कि मैं थोड़ा जुआरी शराबी यारों दोस्तों के साथ बैठ के उस तरह का मेरा करेक्टर है, और घर बर्बाद ही हो जाता है मेरी वजह से। मतलब सारी चीज बर्बाद ही कर लेते हो आप नशे के चक्कर? हाँ जी हाँ जी मैं बर्बाद, लेकिन बाद में सुधर जाता हूँ, पिताजी की डेथ हो जाती है मेरी। वैसे भाई एक चीज है, दोनों पापा और बेटे खड़े हैं, भाई भाई का किरदार है दोनों का, तो कैसा लग रहा है सुमित भाई? बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हैं तो ये कहते हैं तो भाई तेरे भाई है, मैंने कहा ना भाई ना पापा है। पहले मैं भाई बनाऊं, फंस गया पेच मूवी में बड़ा भाई बनाऊं, सुपर हिट जा रही है मूवी, देख सकते हैं दर्शक फंस गया पेच, भाई भाई बहुत अच्छी मूवी, भाई भाई का करेक्टर क्या है, अगली मूवी हम बना रहे हैं उसमें भी दोनों भाई हैं। अच्छा फंस गया पेच में पंडित जी बने हुए थे, यही है ना? जी 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 नमस्कार पंडित जी हैं भाई, पंडित जी एक बार डायलॉग दिया था आपको, वो कौन सा था आपका बड़ा सुपर हिट रहा? अब लड़की अपने तीसरे वचन में पूछ रही है कि यदि मेरा झाड़ू पोछा करने को मन नहीं करेगा तो क्या तुम मुझे लगाओगे, लगाओगे या नहीं, हाँ ना बता या दही तुड़वा के बताओगा। तो भाई पंडित जी का किरदार बड़ा जबरदस्त रहा है भाई, तो पंडित जी इसमें भी पंडित का रोल दिया है या कुछ अलग है? ये हमारे विलन साहब हैं, ये हमारे गुरु जी हैं संतराम भाई, जिनकी बदौलत आज सब कुछ है, हम जो भी कर रहे हैं जो सीख रहे हैं भाई से सीखा है, और ये हमारा छोटा भाई है सुमित जो आज हीरो बना हुआ है। इसमें हम हीरो के साथ में ऐसे गुंडे हैं कि हम इधर का भी जुगाड़ देख लें उधर का भी जुगाड़ देखें, क्योंकि ये तो कुछ करता नहीं, तो हम इनको डायलॉग बोलते हैं, ये कहते हैं बिरजू नाम है मेरा, अरे बिरजू के सुसरे बन रहा तू डैडी बढ़ा फिर नाई को देने को तेरे 10 रुपये नहीं, हमें और मरवा होगा, अरे ये हरियाणा वाले के जितने जुगाड़ ठीक ठाक से उन्हें तो ले जाएंगे, यूपी वाले हम धार काट देंगे। तो भाई वाकई में बड़ी जबरदस्त होने वाली है ये फिल्म, और जल्दी आ जाएगी, सर से बातचीत करेंगे। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने भी अच्छे हैं, तो गाने कितने गाने इसमें? गाने इसमें 3 हैं, एक गाना है उस पर उम्मीद है मैं अच्छा लगे उसके सुनाऊंगा मैं 2 लाइन मैंने गाया है, ओ मेरी रपट लिखा दो चल के चौकी थाने में, मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में,
वो हरियाणे की हूर परी मेरे दिल में बस गई यारो, इस यूपी के छोरे का दिल चुरा के ले गई पारो, फिर डर कैसा मन सच्ची बात बताने में, मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में, मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में। तो भाई देखो गाने भी बड़े जबरदस्त है, और भाई जब ये फिल्म आओगी ना तो भाई मुझे लगता है वायरल जागी और सबसे सुपर डुपर हिट होगी। तो सर हरियाणा की मैडम यूपी का छोरा, कहीं तकरार भी होगी इसमें? तो तकरार है लेकिन दुश्मनों से विलेन से है, इनका तो प्यार है, इनकी कोई तकरार नहीं है। कितना प्यार करती हैं आप फिल्म में? मैं इतना प्यार करती हूँ कि हरियाणा छोड़ के यूपी आ जाती हूँ। यूपी पसंद आ गया? हमारे हरियाणा वाले दिखाया गया ना जो विलेन का करेक्टर कर रहे हैं, वो खड़े खड़े हो गए देख के जावे। पाकिस्तान से हरियाणा से यूपी आ जाती है। टैलेंट हो है कितने तक कितने भी लास्का है, तो मैं हरियाणा तक यूपी में आ जाऊंगी। तो वो वाला काम कर दिया सीमा, पाकिस्तान से प्यार की खातिर भारत आ गई और मैडम को हरियाणा से बागपत आ गई बिना बच्चों के। और जो बच्चों वाली होती ना जब भी ले लेते अब ये ज्यादा पैसे लेकर आ रही है ना। अच्छा भाई यूपी वाले पैसों के चक्कर में ज्यादा रहे, खासकर बागपत वाले। पैसे के बिना ही नहीं कोई दुनिया, पैसे के बिना क्या। तो सर कब तक आ जाएगी? एक महीने में आ जाएगी मार्केट में, यूट्यूब पे देखने को मिलेगी फिल्म जमुना पार, आप डालेंगे सोनोटेक चैनल है मेरा, उसी पे मेरी सारी फिल्में आती हैं, सोनोटेक देहाती फिल्म्स, सभी सब्सक्राइब कर लें, सारी मूवी उसी पे, मेरी पर्सनल चैनल वही है। अच्छा मैं देख रहा हूँ भाई इनके एक मॉडल और खड़ी है पीछे खड़ी है तो ध्यान नहीं रहा, मैडम के नाम है? माय नेम इज अन्नू। माय क्या बोला आपने? मिस अन्नू। मिस अन्नू, अच्छा एक बात जरूर है, देखो इंग्लिश तो सभी से आती है, मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ, हमने भारत में जन्म लिया है ना, तो ये अंग्रेजों वाली वो है ना कि अपनी वो छोड़ गए, क्या बोल रहे हैं उसे, अंग्रेजी छोड़ गए ना, छाप नहीं कुछ और बोल रहे हैं कि अंग्रेज चले गए पर अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, तो हिंदी में बोल करो अच्छा लगेगा। तो क्या किरदार है आपका फिल्म में? मैं मैम की फ्रेंड बनी हुई हूँ। अच्छा हीरोइन की फ्रेंड हूँ, मतलब हीरोइन की फ्रेंड, इधर आइए फ्रेंड आ गई भाई, हकीकत तो ये भी पता लगेगी ना क्या मामला के है, अब बताओ। जी मैं इनकी फ्रेंड हूँ इस रोल के अंदर, इस मूवी के अंदर। तो जैसे हीरो जो फिल्म के अंदर है वो सेटिंग वेटिंग होती है तो आपसे कहती हैं कुछ? नहीं नहीं मैं इनसे बोलती हूँ कि तू भी कोई छोरा देख ले तेरी भी मतलब लाइफ अच्छी हो जाओगी, तो ये बोलती है मैंने भी छोरा पसंद है, अभी मैं कहने की हिम्मत ना हुई कोनी ऐसा कुछ बोलती है। इसने भी सेटिंग कर रखी है एक से। यही मैं बताती हूँ इनकी सेटिंग इनके साथ है, देख लो भाई लिल्लो चमन की जोड़ी। ये हीरो का दोस्त होता है, ये मेरी दोस्त होती है, तो इन दोनों की सेटिंग है, फिर मतलब ये नूचा में है इन दोनों की भी हो जा, लेकिन इन पता को नहीं मारा प्यार पर लाइव रहे। तो यू प्यार कहाँ से होया है? ये हमें कॉलेज से। अच्छा कॉलेज से होया, मतलब बिना सपोर्ट के बिना फोन नंबर के हो गया? था ही नहीं फोन, तो था ही नहीं, बस ऐसे नजरें मिली और इजहार हो गया। और यो खड़ा भाई क्या नाम है? भाई मेरा नाम सन्नू राजा है। अच्छा सन्नू राजा, हाँ जी। तो एक बार अपनी भाषा में इन्हें बोल के दिखा दो कुछ, आपका तो काफी हमने नाम सुना है कि आप जब डायलॉग करो तो भाई बड़े स्पेशल रहे वगैरह। हाँ जी तो बताओ जी क्या? उसी में बोल रहा हूँ, आपकी फिल्म नहीं आई थी पहले डायलॉग मैडम के ऊपर ही मार दिया। अच्छे जी लो पिंकी ये तो चले गए चांद पे, आ मैं तो चले गए चलूं होटल में, पूछ तो ले होटल में क्या करेंगे, क्या करेंगे होटल में जाके, हनीमून मनाएंगे। भाई बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है, तो इसमें जो आप रोल कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? जी मैं तो गुरुजी के साथ रोल करूँ जी, मजे तो मजे आवे हैं, तो मजे इतने आवे हैं कि भी पांच थप्पड़ खा के आया है। इसने मारी मेरे वाले, इसने मारे इधर। तो कोई ऐसा काम करा होगा ना जो पांच थप्पड़ खाने को मिले? वो प्यार में मारू जा मेरा। यो कौन सा प्यार है? वो इसका मेरा सही है जी। सुमित भाई आपका प्यार भी ऐसा ही है ना? हमारा तो बहुत अच्छा प्यार है, गले मिले हैं तो हम तो एक दूसरे गले मिले, बहुत प्यार करे भाई। उनका अच्छा प्यार है, इनका तो गंदा प्यार है भाई। हमारे वाली गले तो मिलती ना, वह तो थप्पड़ थप्पड़ ही मारे। चलो भाई ठीक है, आप थप्पड़ ही खाते रहो। और भाई अभी हमने आपकी बातचीत कराई थी, जमुना पार फिल्म का नाम है, जल्दी यूट्यूब पे आ जाएगी सोनाटेक
सुमित देहाती फिल्म्स के नाम से आएगी, चैनल है, आप सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना भाई को, अपने बागपत यूपी के हैं तो भाई बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर और फुल सपोर्ट करना, मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।